हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेट लॉस के लिए दाल को कैसे आप अंकुरित या स्प्राउटेड कर सकते हैं, वेट लॉस के लिए कितनी दाल आपको खानी है और कब, कुछ इजी रेसिपीज देखेंगे जिससे आप अंकुरित दालों को और भी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बना सकते हैं। दोस्तों वेट लॉस में डाइट की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कई बार वेट लॉस नहीं हो पाता क्योंकि हम डाइट गलत ले रहे होते हैं, यानी या तो हम बहुत ही कम खा रहे होते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा। जैसा कि मैं अपने वीडियोस में बार बार कहता हूँ कि कम खाने से भी वज़न कम नहीं होता है, इसलिए सही खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अगर आप अपने डिनर और लंच की डाइट में थोड़े से बदलाव करें तो वेट लॉस करना बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों दाल एक कम्प्लीट फूड है, यानी इसमें प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट सब होते हैं। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी मिलती है इसलिए इसे खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज़्यादा वज़न भी बढ़ता है, इसलिए आपको दाल नाप कर खानी होगी ताकि आपकी डाइट ना तो कम रहे और ना ही ज़्यादा। दाल को आप इस मशीन से बहुत ही आसानी से नाप सकते हैं। ये वेइंग स्केल मशीन आपको अमेज़ॉन पर 300-400 रुपए में मिल जाएगी, तो इसे आप ज़रूर खरीद लें। तो सबसे पहले इस मशीन को ऑन करें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये अभी ज़ीरो दिखा रहा है। अब इस पर एक कटोरी जिसमें आप दाल नापना चाहते हैं वो रखें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब ये कटोरी का वज़न दिखा रहा है, तो अब आप इस बटन को दबाएं जिस पर टेयर लिखा है। इसे दबाते ही ये मशीन फिर से ज़ीरो दिखाएगी, यानी अब ये कटोरी का नहीं बल्कि जो भी चीज़ आप कटोरी में डालेंगे उसका वज़न दिखाएगी। तो अब आप इसमें दाल को डालें और जितना आपको खाना है उतना नाप लें। अब एक बात का ध्यान रखें कि दाल एकदम से ग्राम ग्राम के हिसाब से नापने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसे अगर आप 25 ग्राम खाना चाहते हैं तो 25 ग्राम की जगह 27 खाएंगे या फिर 23 खाएंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ये ध्यान रखें कि जितना आप खाना चाहते हैं उससे 5 ग्राम से ज़्यादा ऊपर नीचे ना करें। यानी अगर आपको 25 ग्राम खाना है तो 27-28 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 30 ग्राम या फिर उससे ज़्यादा ना खाएं। मेरी सलाह ये है कि आप 25 ग्राम मूंग और 25 ग्राम चने की दाल से शुरुआत करें। अब देखते हैं कि आपको दाल अंकुरित कैसे करनी है। सबसे पहले आप दाल को अच्छे से वॉश करें और इसमें पानी डालकर रात में रख दें। सुबह जब दाल नरम हो जाए तो आप पानी निकालकर दाल को किसी दूसरे बर्तन या थाली में रख दें। गर्मी में दाल ज़्यादा अच्छे से अंकुरित होती है, तो इसे फ्रिज में ना रखें। 1-3 दिन में दाल अंकुरित हो जाएगी। अब आप चाहें तो दाल अंकुरित करके या कभी कभी बिना अंकुरित करके भी खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि अंकुरित दाल ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है और वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसलिए कोशिश करें कि अंकुरित दाल आप ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये दाल अंकुरित नहीं है, बस उबाली हुई है, और ये दाल अंकुरित है। तो अगर दाल को बिना अंकुरित किए खाना चाहते हैं तो कुकर में डालकर इसे 2-3 विसल लगवाएं, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर अंकुरित करके खाना चाहते हैं तो इसे कुकर में ना डालें और गर्म पानी में कुछ देर रखें और उसके बाद खाएं। अगर आप इसे कुकर में डालकर विसल लगवा देंगे तो इसके वेट लॉस के जो बेनिफिट हैं वो थोड़े घट जाते हैं। इन दालों से हम 3-4 अलग अलग तरह की रेसिपी बना सकते हैं। सबसे पहली रेसिपी के लिए आपको चाहिए होगा दही और रायता बूंदी। इसके लिए आप अंकुरित और नॉर्मल दोनों दाल इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको करना बस ये है कि दाल में दही मिक्स कर दें और इसमें प्याज और टमाटर भी डाल दें। देखा जाए तो इस रेसिपी में आप रायता में अंकुरित दाल मिक्स कर रहे हैं। तो अब आप चाहें तो थोड़ी सी बूंदी इसमें मिला सकते हैं जिससे आपको अच्छा टेस्ट आएगा। एक बात ध्यान रखें, क्योंकि इस रेसिपी में दही है तो आपको इसे रात में नहीं खाना है, क्योंकि कई लोगों को दही रात में सूट नहीं करता है, तो इसलिए आप इसे लंच में खाएं। अब देखते हैं कि डिनर के लिए आप क्या कर सकते हैं। अगर आप अंकुरित दाल डिनर में खाना चाहते हैं तो आप दाल में या तो चटनी मिला सकते हैं या फिर इसमें फ्रूट मिला सकते हैं। फ्रूट जो इसमें मिलाए जा सकते हैं वो हैं सेब, नाशपाती, अमरूद जिसे कई जगह पेड़ू भी कहते हैं, और इसके साथ पाइनएप्पल। इसके अलावा आप टमाटर के बड़े पीस भी इसमें डाल सकते हैं। ध्यान रखें कि इसमें उबला हुआ आलू ना डालें। आलू में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं जो कि वेट लॉस के लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं है। आप चाहें तो इसमें गरम मसाला या फिर चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अगर आप इसे ब्रेकफास्ट में खाना चाहते हैं तो बाकी सारे फ्रूट्स जो मैंने पहले बताए वो कम से कम डालें और इसमें एक केला डाल दें। केला डालने से अंकुरित दाल एक अच्छा ब्रेकफास्ट बन जाती है।
लेकिन ध्यान रखें कि डिनर में आप इसमें केला ना डालें तो ज्यादा अच्छा है। आप इसे हफ्ते में कम से कम 3 से 5 बार खाएं। अब ये भी यहाँ पर ध्यान रखें कि ये दाल जो है वो मील रिप्लेसमेंट है, यानी आपको चावल, रोटी और दूसरी चीजों की जगह इसे खाना है, तो इससे आपको अपना पेट भरना है, तभी आपका वेट लॉस होगा। अगर आप लंच में इसे खा रहे हैं तो डिनर में हरी सब्जियाँ और बाकी सब्जियाँ जरूर खाएं, और अगर आप डिनर में इसे खा रहे हैं तो लंच में बाकी खाना खाएं। आप चाहें तो अगर घर में कोई और दाल बनी है तो उसे भी इसमें मिला सकते हैं। जो मिक्स दाल है वो न केवल न्यूट्रिशियस होती है बल्कि वेट लॉस के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। अब एक आखिरी बात ध्यान रखें, अगर आप वेइंग मशीन में अपना वेट ट्रैक नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन से तरीके से आपका वेट लॉस हो रहा है, कितना हो रहा है और कौन से तरीके से आपको फ़ायदा नहीं हो रहा। तो अगर आपके पास वेइंग मशीन नहीं है तो इसे आज ही मार्केट से खरीद लें, या फिर एक अच्छी वेइंग मशीन का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहाँ से भी आप इसे खरीद सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।